दोस्तों, अगर फोन पे ऐप के द्वारा आपने भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो किस तरह से आप जो है फोन पे ऐप को ओपन करके और अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट को जो है इजीली चेकआउट कर सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप भी जो है अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट को जो है इजीली चेक करें। फोनपे ऐप के द्वारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड को जो है चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने आपके फ़ोन में जो फोनपे की ऐप को इंस्टॉल कर रखा, सबसे पहले आपको जो है फोनपे की ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप फोनपे की ऐप को ओपन करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, उसी के द्वारा आप जो है ईजिली इसको जो है ट्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले इस तरह का ऑप्शन जो है आपके सामने इसका पेज जो है खुल के शो हो जाएगा। पेज को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, और जैसे ही आप पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें परचेज का जो सेक्शन है उसमें 24 गोल्ड करके और जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारे को जो है इसको ट्रैक करने के लिए इस ऑप्शन के ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन के द्वारा आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो, दूसरा आप जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी यहीं से इजीली कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही जो है गोल्ड से रिलेटेड जो पेज है इस तरह से जो है पेज खोल के शो हो जाएगा। अभी ये मेरा गोल्ड सेविंग का पेज है, मैंने ऑलरेडी जो है गोल्ड में सेविंग कर रखा है, इसलिए ये पेज खोल के शो हो जाएगा। तो यहाँ पर योर गोल्ड इज करंटली वर्थ, यानी मेरे गोल्ड की जो करंटली वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट वैल्यू, यानी मैंने गोल्ड में कितना इन्वेस्टमेंट किया था, वो जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और कितना जो है मिल रहा है वो भी शो हो जाएगा। गोल्ड इन लॉकर मेरा, यानी गोल्ड में अभी तक जो है कितना जो मैंने परचेज मेरा गोल्ड हो चुका है वो भी शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इजीली जो है चेकआउट कर सकते हो। इसमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ स्टार्ट एसआईपी, एसआईपी भी कर सकते हो, दूसरा वन टाइम भी यहीं से गोल्ड जो है परचेज हम जो है इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन का बॉक्स आइकन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना, क्लिक करते ही जो नेक्स्ट पेज है इस तरह से खुल जाएगा। इन यहाँ पर गोल्ड इन लॉकर, यानी आपका लॉकर में कितना गोल्ड है और करंट वैल्यू वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ इसके द्वारा आप जो है व्यू ऑल ट्रांजेक्शन, जो मेरा इसमें यानी अभी तक पैसे इसमें डिपॉजिट हुए हैं, वो ट्रांजेक्शन भी हम जो है यहाँ से देख सकते हैं। अभी इसमें देखो कई ऑप्शन है, सेल गोल्ड सबसे पहला ऑप्शन है सेल गोल्ड। तो अगर आपको गोल्ड को सेल करना है तो सेल गोल्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और आप अपने गोल्ड को जो है सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। तो जैसे आप सेल गोल्ड करोगे इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें सेल इन ग्राम्स, यानी ग्राम्स में भी आप जो है गोल्ड को सेल कर सकते हो, और सेल इन रुपीज, यानी रुपीज में भी आप जो है सेल कर सकते हो। तो अगर आपको सेल करना है तो इस तरह से आप सेल कर सकते हो। दूसरा गेट डिलीवरी, यानी अगर आपको डिलीवरी लेनी है गोल्ड की तो डिलीवरी भी ले सकते हो, परंतु उसके लिए 0.5 ग्राम गोल्ड चाहिए आपका लॉकर में, तभी आप जो है गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हो। तो इनसफिशियंट होने पर गोल्ड की जो है आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, और इस तरह का इनसफिशियंट लॉकर बैलेंस करके शो कर देगा, यानी 0.5 ग्राम मेरे परचेज मेरा गोल्ड होना चाहिए कम से कम मिनिमम, तभी मेरे को जो है गोल्ड की डिलीवरी जो है मिल पाएगी। तो उससे कम होने पर गोल्ड की डिलीवरी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद में इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जो है सेल गोल्ड कर सकते हो, गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हो, और नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट गोल्ड टू ज्वेलरी, यानी अगर आपको गोल्ड को ज्वेलरी में कन्वर्ट करवाना है तो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस तरह की वेबसाइट का पेज खुल जाएगा, इसके ऊपर जाके आप अपने गोल्ड को जो है ज्वेलरी में भी जो है इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये बाई प्रोम का जो इसका लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है, वो भी करवा सकते हो। इसके बाद में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज सेविंग्स ऑब्लिक एसआईपी, इसके ऊपर आप जैसे ही करोगे आपकी एसआईपी जो एट प्रेजेंट में चल रही है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। धन्यवाद, थैंक यू।